सो हाय एवरीवन, स्वागत है आप सभी आंगनबाड़ी बहनों का आज के इस नए वीडियो में। मैं रितेश कुमार। तो जैसा कि आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि पोषण ट्रैकर ऐप में योग दिवस का एंट्री कैसे करेंगे, फॉर्म कैसे भरेंगे। जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं कि हर साल 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाता है, और इस बार जो योग दिवस का थीम है वो क्या है इसके बारे में भी हम आपको बताएंगे। और जो पिछली बार योग दिवस का थीम रखा गया था, यानी 2021 में जो योग दिवस का थीम था, वो थीम का नाम था योग फॉर हेल्थ। और इस बार जो योग दिवस का थीम है वो कुछ अलग है। तो आइए आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि किस प्रकार से आपको अपने आंगनबाड़ी केंद्रों पे योग दिवस मनाना है और उसका एंट्री पोषण ट्रैकर ऐप में करना है। तो आप सभी लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट रहेगी कि आप लोग इस वीडियो में बने रहिए और इस वीडियो को एंड तक देख लीजिएगा। अगर आप लोग को आज की ये वीडियो पसंद आती है तो इस वीडियो को आप लोग लाइक कर दीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो नीचे रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाकर चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं आज की ये वीडियो। देखिए, सबसे पहले आपको क्या करना है कि आपको अपने आंगनबाड़ी केंद्रों पे जो भी गर्भवती महिला, धात्री महिला या जो भी बच्चे हैं उनको आंगनबाड़ी केंद्रों पे बुलाना है और योग दिवस का अभ्यास कराना है। जैसे कि योग दिवस में कितने लोग आए हैं, कितने बच्चे आए हैं, कितने गर्भवती महिला, धात्री महिला आई हैं, उनका एंट्री आपको पोषण ट्रैकर ऐप में करनी है। तो आइए जानते हैं किस प्रकार से उनका एंट्री हम लोग करेंगे। तो देखिए, सबसे पहले आपको पोषण ट्रैकर ऐप को ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद यहाँ पर आपको 3 डॉट का ऑप्शन मिल जाएगा, यहाँ पर लिखा होगा मोर या अधिक, तो इस पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे ही आप लोग इस पर क्लिक करेंगे तो एक पेज खुल के आ जाएगा इस प्रकार से, और यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिलेगा घटनाएं। अगर आप लोग इसको इंग्लिश में देख रहे हैं तो यहाँ पे लिखा होगा इवेंट, आप लोगों को इसी पे क्लिक कर देना है। जैसे ही आप लोग इस पर क्लिक करेंगे तो एक फॉर्म और खुल के आ जाएगा, और यहाँ पर आपको योग दिवस का एक जो मॉड्यूल है वो खुल के आ जाएगा। तो यहाँ पर आपको योग दिवस की एंट्री आपको करनी है। तो योग दिवस पर आप लोग जैसे ही क्लिक करेंगे आंगनबाड़ी केंद्र का जो कोड रहेगा वो खुल के आ जाएगा। और चलिए मैं आपको बता देता हूँ कि इस बार जो आंगनबाड़ी केंद्रों पे योग दिवस का थीम रखा गया है वो क्या है। यानी कि इस बार का जो थीम है वो है योगा फॉर ह्यूमैनिटी, यानी मानवता के लिए जो योग है वो इस बार आंगनबाड़ी केंद्रों पे कराया जाएगा। तो आप लोग याद रखिएगा, योगा फॉर ह्यूमैनिटी का जो थीम है, मान लीजिए बाय द वे कोई पूछ दे कि इस बार का थीम क्या है, तो आपको बोलना है कि योगा फॉर ह्यूमैनिटी का इस बार का थीम है मानवता के लिए योग, ठीक है। इस प्रकार से आप लोग याद रखिएगा। उसके बाद अगला जो ऑप्शन है यहाँ पे घटना की तिथि, यानी जिस दिन आप लोग योग दिवस मना रहे हैं उस दिन का डेट आपको यहाँ पे डालना है। यहाँ पे आपको कैलेंडर का ऑप्शन मिल जाएगा, आपको इस पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप लोग इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको 21 तारीख का डेट, यानी आज का डेट मिल जाएगा। ये वीडियो हम 21 तारीख से एक दिन पहले बना रहे हैं, इसलिए हमारा यहाँ पे 20 तारीख का डेट शो कर रहा है। तो आपको क्या करना है, 21 तारीख का डेट आपको सेलेक्ट करके यहाँ पे ओके वाले पे क्लिक कर देना है। जैसे ही आप लोग इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपका डेट आ जाएगा। फिलहाल हम आपको समझाने के लिए यहाँ पे 20 तारीख का डेट दिखा रहे हैं। उसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे गर्भवती महिला का संख्या डालना है, कितने गर्भवती महिला उस दिन आपके आंगनबाड़ी केंद्र पे योग दिवस के दिन मौजूद रही हैं उसका संख्या आपको यहाँ पर क्लिक करके डाल देना है। जैसे मान लीजिए अगर आपके आंगनबाड़ी केंद्र पर 4 गर्भवती महिला आती है या 5 गर्भवती महिला आती है तो आपको यहाँ पर उसका संख्या डाल देना है। फिर आपको आगे बढ़ना है, यहाँ पे स्तनपान कराने वाली माताएं का संख्या डालना है कि धात्री महिलाएं उस दिन कितनी आई थी, 2 आई थी, 3 आई थी, 4 आई थी, जितनी भी महिला आपके आंगनबाड़ी केंद्र पे मौजूद थी उसका यहाँ पे संख्या डाल देना है, ठीक है। उसके बाद आपको यहाँ पे बच्चों की संख्या डालनी है, जो 3 से 6 ईयर्स के जो बच्चे वहाँ पर आएंगे योग दिवस के दिन, तो उसका संख्या यहाँ पर आपको डाल देना है। जैसे मान लीजिए अगर 15 बच्चे आते हैं तो 15 बच्चे का संख्या डालेंगे, 10 आते हैं तो 10 बच्चों का संख्या डालेंगे, इस प्रकार से आप लोग डाल लीजिएगा। फिर यहाँ पे किशोरवय लड़कियाँ, यानी किशोरवय लड़कियाँ कितनी मौजूद थीं, 2, 3 जितनी भी लड़कियाँ मौजूद थीं उनका संख्या आपको डाल देना है। उसके बाद आपको यहाँ पे अगला जो ऑप्शन आ जाएगा AWWS, यानी आंगनबाड़ी वर्कर, यानी कि आप आंगनबाड़ी सेविका हैं तो आपको यहाँ पे 1 सेलेक्ट कर देना है। और सहायिका कितनी है आंगनबाड़ी केंद्र पे, तो सहायिका भी 1 ही मौजूद रहती है तो 1 डाल देना है। और यहाँ पे ANM, यानी कि ANM जो दीदी हैं अगर आती हैं उस दिन, तो आपको संख्या में क्या डाल देना है, 1 डाल देना है। फिर यहाँ पे आशा वर्कर भी आती हैं अगर आपके आंगनबाड़ी केंद्र पे उस दिन, तो 1 डाल देना है। नहीं आती हैं तो आपको यहाँ पे 0 डाल देना है, ठीक है।
उसके बाद आपको क्या करना है, महिला पर्यवेक्षिका यानी कि एलएस मैम अगर उस दिन आपके आंगनबाड़ी केंद्र पर आती हैं तो आपको यहाँ पे एक डाल देना है, नहीं आती है तो जीरो डाल सकते हैं। यहाँ पे आपको अगला ऑप्शन जो है वो CDPO का है, तो CDPO में आपको जीरो रखना है क्योंकि CDPO हर आंगनबाड़ी केंद्र पे नहीं पहुँच सकती हैं। अगर पहुँचती हैं किसी आंगनबाड़ी केंद्र पे तो आपको उसका संख्या एक डाल देना है। इस प्रकार से अगर आप लोग डाल देते हैं और यहाँ पे डालने के बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे सबमिट का ऑप्शन नीचे मिल जाएगा, आपको यहाँ पे सबमिट कर देना है। जैसे ही आप लोग सबमिट करेंगे तो इस बार का जो योग दिवस का फॉर्म है आपका सबमिट हो जाएगा और जो योग दिवस का थीम है योग फॉर ह्यूमैनिटी आपका कंप्लीट हो जाएगा। आप लोग अपने अपने आंगनबाड़ी केंद्रों पे योग फॉर ह्यूमैनिटी का जो इवेंट है वो ज़रूर कीजिए। और अगर आप लोग फिर से यहाँ पे देखना चाहते हैं तो यहाँ पे योग दिवस वाले पे क्लिक करके देख सकते हैं कि हमारे द्वारा क्या क्या भरा गया है और ये सबमिट हुआ है या नहीं हुआ है, इस प्रकार से आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। तो आई होप आप सभी को आज की ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करके शेयर ज़्यादा से ज़्यादा कर दीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो मिलते हैं फिर किसी नए टॉपिक नई जानकारी के साथ। अगर आप लोगों को पोषण ट्रैकर ऐप से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स के नीचे ज़रूर करें, हम उसका रिप्लाई देने की कोशिश करेंगे। मिलते हैं फिर किसी नए टॉपिक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए आप सभी का हमारे साथ इस वीडियो में बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।